नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं जी। BSF में यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते आपसे इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। ठीक है जी, जैसे ही आप examjobalert.com पर आओगे तो आपको BSF कांस्टेबल, HC हेड कांस्टेबल एंड SI सब इंस्पेक्टर की पोस्टें ऑनलाइन मिल जाएंगी। ठीक है, इंडियन आर्मी की पोस्ट हैं जी। इसमें देख सकते हो आपको 10वीं क्वालिफिकेशन मांगी है, डिप्लोमा और डिग्री मांगा हुआ है, और इसमें 281 पोस्टें हैं, और स्किल में आपकी ट्रेड की नॉलेज मांगी हुई है। अब बात कर लेते हैं जी सैलरी की। सैलरी इसमें 21,700 से लेकर 1,12,400 तक पे स्केल आपका रहने वाला है। ठीक है जी, और 28 मई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, 27 जून इसकी लास्ट डेट है, और इसकी फीस 200 रुपये मैक्सिमम, 200 रुपये फीस है जी। बाकी डिटेल में जानेंगे। 281 एज लिमिट की बात करें, 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट इसमें मांगी हुई है। ठीक है जी, 20 साल से लेकर 28 साल तक। और इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, ग्रुप बी के लिए आपकी 200 रुपये फ़ीस रहने वाली है, और ग्रुप सी के लिए 100 रुपये, और SC ST एक्स सर्विस मैन के लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कौन कौन सी पोस्टें हैं। SI मास्टर की 8 पोस्टें हैं, SI इंजन ड्राइवर की 6 पोस्टें हैं, 22 से 28 साल एज मांगी हुई है। SI वर्कशॉप की 2 पोस्टें हैं, HC हेड कांस्टेबल मास्टर की 52 पोस्टें हैं, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की 64 पोस्टें हैं, और इस सभी में 20 से 25 साल एज मांगी हुई है। और इसके बाद HC मैकेनिक डीजल और पेट्रोल इंजन के लिए 10 पोस्टें हैं, HC इलेक्ट्रिशियन की 2 है, HC AC टेक्नीशियन की 1 है, HC इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ही एक है, मशीनिस्ट की 1 है, कारपेंटर की 1-2 है, प्लम्बर की 2 है, CT की आपकी 130 पोस्टें हैं जी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट बात करें, दो टोटल में 281 पोस्टें आपको देखने को मिल गई। अब बात करें ट्रेड वाइज, देख सकते हो SI मास्टर की, जैसे कि आपको बता दें SI मास्टर में एक दो की बताएंगे, बाकी आप देख सकते हो SI मास्टर की आपको 5 पोस्ट हैं, जनरल की 1, OBC की, SC की कोई भी नहीं है, ST की 1 है, इकोनॉमिक वीकर सेशन की 1 है, टोटल में 8 पोस्ट हैं जी। SI इंजन ड्राइवर की 2 पोस्ट हैं, जनरल की हैं, 2 ही SC की हैं, 1 ST की, 1 इकोनॉमिक वीकर सेशन की, टोटल में 6 पोस्ट हैं। इस हिसाब से आप सारी की सारी पोस्टों की डिटेल इसमें देख सकते हो। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन तक जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको सारे का सारा कवरअप करवा दिया गया है, इसमें सारा डिटेल आपको दे दी गई है कि इसमें क्या कुछ एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं जी। इसमें जैसे मान लीजिए SI मास्टर के लिए कोई अप्लाई करेगा तो उसमें 12वीं मांगी हुई है। ठीक है जी, और स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से आपकी सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। SI इंजन ड्राइवर की बात कर लेते हैं, +2 मांगी हुई है, फर्स्ट क्लास में आपका इंजन ड्राइवर जो कि इन सेंटर या स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना ज़रूरी है। इसी तरह हम बात कर लें SI वर्कशॉप के लिए बैचलर डिग्री मांगी हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर 3 साल का आपका डिप्लोमा मैकेनिकल मशीन या ऑटोमोबाइल का मांगा हुआ है। HC मास्टर की बात करें तो 10वीं मांगी है, और आपका सारंग का सर्टिफिकेट मांगा हुआ है जी। ठीक है जी, और उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, HC इंजन ड्राइवर की बात करें तो इसमें भी 10वीं मांगी हुई है, सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट प्रोसेसिंग यानी कि कर रखा हो या आप कर रहे हो। तो HC वर्कशॉप ट्रेड की बात कर लेते हैं तो इसमें भी 10वीं मांगी है, ITI आपकी अलग अलग में मांगी है, मोटर मैकेनिक्स में, डीजल पेट्रोल इंजन में, मशीनिस्ट में, कारपेंट्री में, इलेक्ट्रिशियन के लिए, एयर कंडीशनर टेक्नीशियन की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्लम्बिंग की आपकी IT मांगी हुई है। सिटी की क्रू की पोस्ट है जी, इसमें 10वीं मांगी हुई है, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 265 हाउस पावर बोट का एक्सपीरियंस आपका मांगा हुआ है, और अंडरटेकिंग का आपका सर्टिफिकेट भी मांगा हुआ है।
अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट 20 से 28 साल आपकी 6 जून तक मांग रखी है। कितनी है जी? 20 से 28 साल अलग लग गया 6 जून तक। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं बात। तो ये ऑफिशियली वेबसाइट है और यहाँ पर नोटिफिकेशन लिंक के नीचे आओगे, गो लिंक जैसे पहले शुरू नहीं हुए थे अब यहाँ पर लिंक एक्टिव होने शुरू हो चुके हैं। पहले मैं यहाँ पर आपको लिंक दिया करते थे, अब यहाँ पर देने की बजाय ये लिंक एक्टिवेट हो चुके हैं। जो वर्क पूरा है सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि जो वर्क चल रहा था इस वेबसाइट पर वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई ने आपने इस नई ही कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन हेयर पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे एड्रेस, पहले अपनी पर्सनल डिटेल जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस में अपना एड्रेस, अदर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, ये सारी की सारी आपने मेंशन करनी है। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट और क्राइटेरिया आपने सारे का सारा फिलअप करना है और जनरेट ओटीपी करके वेरीफाई करना। वेरीफाई करने के बाद आपने जो तो मेल आईडी दी होगी वो मेल आईडी यहाँ पर डालनी है, पासवर्ड डालना है और उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपको अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, यही नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है। इसमें 35,400 से लेकर 1,12,000 तक आपकी पे स्केल है। ये सारी डिटेल्स आपको हमने इस वेब पोर्टल पर ही प्रोवाइड करवा दी हैं। आपकी होप है भी आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो भी आप देख सकते हो। ठीक है जी, बाकी मैंने आपको करीबन करीबन सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है। एग्जाम फीस की बात कर लेते हैं, तो ग्रुप बी की पोस्टों के लिए 200 रुपये है, सी की पोस्टों के लिए 100 रुपये है। फीस एक बार पे करनी होगी, रिफंडेबल नहीं होगी। ठीक है जी, ये चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। इसमें सारी चीज़ें हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, मास्टर की है, इंजन ड्राइवर की है, SI वर्कशॉप की है, HC मास्टर की है, HC इंजन ड्राइवर की है, HC वर्कशॉप की है, CT क्रू की है, वाटर विंग में ये पोस्टें हैं। किसमें जी? वाटर विंग में ये पोस्टें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये तो हो गया BSF की जो पोस्टें थी। इसके बाद आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट भी एक्टिव कर दिया गया। जैसे मान लीजिए आप बैंक का ऑप्शन खोलोगे तो यहाँ पर बैंक की 4 पोस्टें अलग अलग बैंक की हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप एडमिट कार्ड, सिलेबस, आंसर की वीडियोस, ये यूट्यूब की वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। सारी की सारी जैसे जैसे आती हैं वो अपलोड करते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आपने सीधा व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। और अगर कोई कैंडिडेट कहता है सर जैसे ये मान लीजिए BSF की पोस्ट है तो आप कहते हो हम अप्लाई करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर अप्लाई कीजिए, अपना नेम, अपनी मेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर सर करके, और आपने सबमिट कर देना है। सबमिट डिटेल के बाद आपको ये जो नेम है, जो भी पोस्ट आप फिलअप करवाना चाहते हो वो नेम आपने कॉपी पेस्ट करना है व्हाट्सएप पर, और उसके बाद आप पे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। जैसे ही पेमेंट पेमेंट की बात करें तो पेमेंट आपको जिन ऑनलाइन लिंक दे दिया जाएगा। अगर मेंबरशिप की बात करोगे वो भी प्लान आपको बता दिया जाएगा। अगर आप कहोगे भी फॉर्म जैसे ही फिलअप करवाएंगे चार्जेस फिलिंग के दे देंगे, वो आप पर डिपेंड रहने वाला है। ठीक है जी, और इस पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं। सारे के सारे इंफॉर्मेशंस आपको एक ही पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। जो से भी पोस्ट आप खोलोगे उसमें आप जाकर डिपार्टमेंट में जाकर उस डिपार्टमेंट के अंडर आप पोस्ट खोल सकते हो। ये जैसे रांची की एक ही पोस्ट आई है अभी तक, रांची की राजेंद्र इंस्टीट्यूट की। इस तरह सारी आप डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर आपको चंडीगढ़, राजस्थान, UPSC और चेन्नई, ये सारी की सारी पोस्टें जो जो UPSC के अंडर आई हैं वो सारी आपको नेम के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। अगर इसी तरह की और भी अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए, वेब पोर्टल को भी शेयर कीजिए ताकि हमारा सहयोग बढ़े, हम आपके लिए और भी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट रखें, सारे इस इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाएं। उसके लिए सिर्फ आपका सहयोग चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।